क्रिकेट विश्व कप 2023 की पॉइंट्स टेबल पर एक नजर दौड़ाइए। रातों रात पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है। विश्व कप की टेबल में एक टीम सीधे नीचे की टीमों से उठकर टैली में पांचवें नंबर पर आ गई। उसके 6 अंक हो गए हैं। इस टीम का नाम है अफगानिस्तान, जिसने बीती रात श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। लेकिन अफगानिस्तान की इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है। मैच के स्क्रीनशॉट की ये तस्वीर शेयर की सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट निखिल नाज ने, और उन्होंने समझाया कि किस तरह से अफगानिस्तान के थिंक टैंक ने श्रीलंका को हराने के लिए एक प्लान तैयार किया, जिसे बड़े बोर्ड पर लिखा गया और खिलाड़ियों ने उसे पूरी तरह से अमल में भी उतारा। दरअसल मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान के सामने 242 रन का टारगेट रखा। इस स्कोर को चेस करने के लिए अफगानिस्तान ने इस स्कोर को 10-10 ओवर के 5 चरणों में बांट लिया, यानी 50 ओवर के मैच में अफगान टीम ने 10-10 ओवर का टारगेट खुद के लिए सेट किया, जिसे 10 ओवर में 50, 20 ओवर में 100, 30 ओवर में 150, 40 ओवर में 200 और 48 ओवर में 242 रन चेस करना था, यानी साफ तौर पर 5 के आसान रन रेट से लक्ष्य चेस करने का टारगेट। अफगानी बल्लेबाजों ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। पहले पावर प्ले यानी 10 ओवर में टीम ने 1 विकेट खोकर 50 रन बना लिए। इसके बाद 20 ओवर पूरे होने पर टीम 87 रन तक ही पहुंच पाई और उन्होंने 2 विकेट भी खो दिए। लेकिन इसके बाद टीम ने रन रेट नहीं गिरने दिया। 30 ओवर में 150 का टारगेट था, लेकिन अफगानिस्तान टीम 139 तक पहुंच गई। अगले 10 ओवर में टीम ने 6 के रन रेट से बैटिंग की और स्कोर 200 के पार, यानी फिर से वही व्हाइट बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी गई थी उसके इर्द गिर्द टीम जाने लगी, यानी गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई। और आखिर 41 रन बनाने के लिए तो अफगानिस्तान टीम ने सिर्फ 32 गेंदें ली। इस तरह से टीम मैनेजमेंट के प्लान पर काम करते हुए अफगानिस्तान ने इस मैच को आसानी से जीत लिया। मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 49.3 ओवर में 241 रन बनाए थे। टीम के लिए प्रथम निसंका ने सबसे ज्यादा रन बनाए, उन्होंने 46 रन की पारी खेली। कुशल मेंडिस ने 39 और सदीर असमर विक्रमा ने 36 रन का योगदान दिया। आखिर में तीक्ष्णा ने 29 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए फजल अक फारूकी ने 4 विकेट लिए, वहीं मुजीबुर रहमान को 2 विकेट मिले। अजमतुल्लाह और राशिद खान को 1-1 विकेट मिला। 242 रन का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने पहले ओवर में इनफॉर्म गुरबाज का विकेट खो दिया, जिसके बाद इब्राहिम जादरा ने 39 और रहमत शाह ने 62 रन की पारी खेल टीम की मैच में वापसी कराई। इन दोनों के विकेट गिरने के बाद अजमतुल्लाह उमजई ने नाबाद 73 और कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी ने नाबाद 58 रन बनाए। दोनों ने 4th विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की और टीम को जीत दिलाकर आगे के कैंपेन के लिए तैयार किया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।